Hello dear students, in this segment we will discuss about cytoskeleton. Cytoskeleton is a network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm of the cell. Suppose ye agar koi cell hai, to is cell ke andar ye jo filamentous network dikh raha hai, ये प्रोटीन से बना हुआ फिलामेंटस नेटवर्क होता है एंड सच टाइप ऑफ फिलामेंटस नेटवर्क मेड अप ऑफ प्रोटीन्स इज कॉल्ड अ साइटोस्केलेटल नेटवर्क और साइटोस्केलेटन। अब इसको साइटोस्केलेटन क्यों कहा जाता है? साइटो का मतलब होता है सेल, ओके, द साइटो इज सेल एंड सेल का स्केलेटन बनाने वाला जो प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है दैट इज साइटोस्केलेटन, द स्केलेटन ऑफ द सेल। जैसे हमारे बॉडी को प्रॉपर शेप देने के लिए बोन्स का बना हुआ स्केलेटन होता है, उसी तरीके से सेल को एस्पेशली यूकैरियोटिक सेल्स को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करने के लिए जो प्रोटीन्स का, क्योंकि सेल के अंदर तो बोन्स नहीं हो सकते, बोन्स आर देमसेल्व्स मेड अप ऑफ सेल्स, तो सेल्स के अंदर बोन्स कैसे हो सकते हैं? तो सेल के अंदर जो रिजिड मटेरियल हो सकता है दैट कैन बी फिलामेंट्स और द फाइबर्स ऑफ द प्रोटीन्स। तो इसी वजह से प्रोटीन से बने हुए मतलब प्रोटीनेशियस फिलामेंटस स्ट्रक्चर्स है साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, ओके। एंड देयर मेन इंपॉर्टेंट या मेजर इंपॉर्टेंट रोल इज टू प्रोवाइड शेप टू द सेल। सो अंडर द फंक्शंस द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज प्रोवाइडिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। देन द साइटोस्केलेटन ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल, क्योंकि अगर ये साइटोस्केलेटल नेटवर्क नहीं होता तो सेल कोलैप्स भी हो सकता है। तो दिस साइटोस्केलेटल नेटवर्क प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल एंड वी स्टडीड ड्यूरिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर दैट जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंटरनल साइड के जो पेरीफेरल प्रोटीन्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक साइड के पेरीफेरल प्रोटीन्स दे आर अटैच्ड टू दीज साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स। तो ये साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स सेल के अंदर नेटवर्क बनाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर एंड वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अटैच हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। एंड दिस इज हाउ दे गिव सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। बट रिमेंबर वन थिंग, द साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स दे आर प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स, दे आर नॉट प्रेजेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बैक्टीरिया द सेल वॉल इज द ओनली मटेरियल विच प्रोवाइड्स सपोर्ट एंड शेप टू द सेल, ओके। नाउ द थर्ड फंक्शन ऑफ दिस साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स इज टू प्रोवाइड मोटिलिटी और मोबिलिटी टू द सेल, ओके। फॉर एग्जाम्पल फ्लाजेला एंड सिलिया दे आर प्रेजेंट ओवर फ्यू सेल्स। फ्लाजेला इज ऑल्सो प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स बट उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, वहाँ पे डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स के ऊपर भी फ्लाजेला होता है, फॉर एग्जांपल स्पर्म सेल आप लोगों ने पढ़ा है, स्पर्म हैज ए फ्लाजेला। तो उस फ्लाजेला के अंदर साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं, एक माइक्रोट्यूबुल टाइप के प्रोटीन्स होते हैं खासतौर पर फ्लाजेला के अंदर, एंड सिलिया के अंदर भी माइक्रोट्यूबुल टाइप के ही साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स होते हैं। तो बिकॉज फ्लाजेला एंड सिलिया दे आर मेड अप ऑफ साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स, they are involved in providing motility or mobility to the cell. But in addition to the mobility of the overall cell, the mobility of cell organelles which are present inside the cell is also facilitated by the cytoskeletal proteins. And the movement of the organelles like mitochondria, peroxisomes, endoplasmic reticulum, etc. inside the cell, inside the cytoplasm, from one location to another location is called as cytoplasmic streaming, and that cytoplasmic streaming occurs with the help of cytoskeletal proteins, okay. And because the cytoskeleton is not present in bacteria in prokaryotes, cytoplasmic streaming is also not observed in the prokaryotes. But eukaryotic organelles and molecules present inside the cell, they can move from one location to another location with the help of this cytoskeletal network. मतलब ये ट्रेन के ट्रैक के जैसा एक नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क के थ्रू
molecules, larger molecules, yeah, storage granules, and the membrane bound organelles, they can move from one location to another location. Then cytokinesis in animal cells. Animal cells के अंदर जो cytokinesis होता है वो कुछ इस तरीके से होता है. Suppose ये अगर cell है, animal cell, तो उसका ये plasma membrane होगा because animal cells lack cell wall. And animal cell के plasma membrane में यहाँ पे contractile ring बनता है. This contractile ring is made up of microfilaments which are themselves made up of actin proteins. And the name of the ring suggests contractile ring, that it can contract. So this ring contracts towards the center from both the sides. Periphery से ये ring center के तरफ contract होता है, and that is why it also pulls this side of the plasma membrane and this side of the plasma membrane towards the center. And as a result, the plasma membranes are pulled something like this due to the help of this contractile ring, which is now pretty much contracted. And finally, this region of the plasma membrane fuses with this, and this region of the plasma membrane fuses with this, and we get two isolated, separated small daughter cells from a single parental larger cell. तो इस तरीके से ये cell division हो गया, मतलब cytokinesis हो गया animal cell का. And animal cell के cytokinesis में microfilaments important role play करते हैं. उसी तरीके से प्लांट सेल के साइटोकाइनेसिस में भी सेलप्लेट फॉर्मेशन में माइक्रोट्यूबुल्स या ओवरऑल साइटोस्केलेटन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देन मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी माइक्रोफिलामेंट्स इन्वॉल्व होते हैं. एक्टिन से बना हुआ माइक्रोफिलामेंट, इट एसोसिएट्स विद द मायोसिन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स. इन एडिशन टू दैट, सेल डिविजन के टाइम क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट करने के लिए जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, स्पिंडल एपरेटस बनता है, स्पिंडल एपरेटस इज मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूबल्स. तो इस तरीके से सेल डिवीजन के दौरान कैरियोकाइनेसिस में, मतलब क्रोमोसोम्स को एक दूसरे से सेपरेट होने में भी साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. एंड साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स, यहाँ पे भी साइटोस्केलेटल प्रोटीन्स हेल्प करते हैं. इन एडिशन टू दैट, there are some other functions of the cytoskeletal proteins inside the cell. For example, this intermediate filament, one type of this intermediate filament is keratin protein, which is present in human hairs, okay, and it provides structure and support to the hairs. In addition to that, one type of intermediate filament is also present inside the inner nuclear membrane, and that provides support, mechanical support and shape to the nucleus. Okay, so in general, the cytoskeletal proteins, they provide mechanical support, they provide motility, matlab flexibility to the cell, they provide a proper shape to the cell also. These are different functions of the cytoskeletal proteins. And then we will discuss once again the cytoskeletal, different types of the cytoskeletal proteins. We discuss them during their functions also, but we will have one more look at this. The first type of the cytoskeletal protein is microtubule, whose diameter is generally 26 nanometer, and it is made up of tubulin proteins. And these tubulins are of two different types, alpha tubulin and beta tubulin proteins. The intermediate filaments are intermediate in size to the microtubules and microfilaments. Microfilaments are the smaller ones, microtubules are the larger ones, and in the beech mein, not exactly in the middle, but somewhere in the middle, the size of the intermediate filament is there, and that is why they are called as intermediate to the small and the larger filaments, okay. And these intermediate filaments, they are made up of fibrous proteins, for example keratin protein. And microfilaments is the third type of the cytoskeletal protein, and their diameter is generally 6 nanometer, and they are made up of actin proteins. Several actin proteins, they combine with each other in this form. So each circle here represents an actin protein, and several such actin proteins polymerize with each other and they form the microfilament. Okay, so this is about
the cytoskeleton and the cytoskeletal proteins with their different types of functions. We will see the next part, that is cilia and flagella now. Okay students, now we have to see the structures of cilia and flagella. So cilia and flagella, they are the outgrowths of the plasma membrane. You can see here the outgrowths of plasma membrane. But look, if this is a cell and this is the plasma membrane, then these short outgrowths of the plasma membrane are called cilia. And if this is another cell which is having this plasma membrane, then a longer outgrowth of the plasma membrane in this case is called as flagellum. Singular is flagellum, multiple are flagella. Likewise, singular is cilium and multiple are cilia. So basically this cilia and flagella, they are the outgrowths of the plasma membrane, matlab they emerge from the plasma membrane. Cilia are comparatively smaller than flagella and they work like oars. मतलब जो फावड़े होते हैं नदी में, जब नाव चलती है तो उसको चलाने के लिए जो फावड़े होते हैं, उन फावड़ों के जैसा आगे पीछे चलते हैं सिलिया. दैट इज़ व्हाई वी से दैट दे फंक्शन लाइक ओर्स और बीट लाइक ओर्स. सिलिया बीट लाइक ओर्स एंड द बीटिंग ऑफ सिलिया प्रोड्यूसेस द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ द सेल और द मूवमेंट ऑफ द सराउंडिंग फ्लूइड of the cell, so that the cell can push itself ahead. So due to the beating movement of the cilia cause either the movement of the cell itself, cell aage jayega, ya fir the cilia cause the movement of the surrounding fluid, so that surrounding fluid piche jane se cell aage jayega. Okay, so cilia are responsible for either the movement of the cell directly or the movement of the surrounding fluid, so that the cell can move indirectly. Okay, and flagella are comparatively longer. You can see the flagellas are longer than the cilia, and the flagella rotate, they don't beat like cilia. Matlab their beating is not like oars of this cilia, but it is रोटेशन टाइप ऑफ मूवमेंट. सो फ्लाजेला रोटेट लाइक दिस, मतलब ये अगर फ्लाजेला है तो ये ऐसे रोटेट होता है. एंड दिस रोटेशन ऑफ द फ्लाजेला पुशेस द सेल अहेड इन द सराउंडिंग मीडियम. दैट इज व्हाई ओनली सेल मूवमेंट अकर्स विद द हेल्प ऑफ फ्लाजेला. फ्लाजेला इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट और द पुशिंग ऑफ द सराउंडिंग लिक्विड. इट ओनली रोटेट्स एंड पुशेस द सेल अहेड. ओके, bacteria also possess flagella, but bacterial flagella are structurally different from these types of eukaryotic flagella. Okay, and cilia are present over several cells of the elementary epithelial cells of the elementary canal, you know about that. And flagella is present on the sperm cells in case of human beings. So these are the examples. Sperm cell is the example of a cell having flagella, and epithelial cells of the elementary canal are the examples of the cells having cilia. Now but there are some other examples of cells which possess cilia also. Now we will see the ultrastructure of the cilia and flagella. The ultrastructure of both the cilia and flagella is same, only the cilia are shorter in length, flagella are longer in length, and their activity here, actual function, the mode of function, rotation or beating, that is different. But internally they both are structurally similar because they arise from a same type of body which is called as basal body. Both cilia and flagella, they arise from basal body, and this basal body itself arises from centriole. We will discuss what centrioles are in the next point. But centrioles are made up of microtubules, a type of cytoskeletal protein, and centrioles give rise to basal bodies, and basal bodies se cilia and flagella bante hain. To cilia and flagella ka agar hum structure dekhenge,
So we can see the cilia and flagella are externally covered with plasma membrane. हमने यहाँ पे भी देखा है कि cilia and flagella are extensions और outgrowth of the plasma membrane. तो plasma membrane का ही outgrowth हो रहा है, मतलब the covering of the cilia and flagella will be obviously the plasma membrane. तो ये black circle it is indicating plasma membrane which is the covering of the cilia or flagella. तो ये जो लंबा सा cilia है या flagella है उसका हम ट्रांसवर्स सेक्शन, इसको कट करके उसका सिर्फ इतना पोर्शन ऐसा देख रहे हैं, कट करके इसको कट करके उसका ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं. सो अंडर ट्रांसवर्स सेक्शन वी कैन सी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवरिंग एंड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हाट एवर इज प्रेजेंट द कोर ऑफ द सिलिया और फ्लाजेला इज कॉल्ड एज एक्सोनियम. दिस इज द कोर विच इज कॉल्ड एज एक्सोनियम एंड this axoneum is made up of microtubules. You can see these are the these red circles and half circles, they are microtubules. These red circles are also microtubules, and microtubules are made up of tubulin proteins that we studied recently. So the core or the axoneum of the cilia and flagella is made up of microtubules and some other types of proteins, okay? And there are 9 pairs of doublet microtubules. मतलब यहाँ पे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 से ऐसे 9 doublets हैं. You can see this is one doublet. 2 microtubules are associated with each other. So this is a doublet, a pair of microtubules. And यहाँ पे एक complete microtubule है. ये microtubule second वाला incomplete है. Okay. So एक complete है कि incomplete ऐसे microtubule का एक doublet बनता है. And ऐसे 9 doublets हैं. If we start counting from here. This is number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 doublets. And these 9 doublets of microtubules, they are radially arranged on the peripheral side of the transverse section of cilia and flagella. Peripherally and radially arranged on the radii, different radii radius of the cilia and flagella. Okay. So, यहाँ पे सेंटर से अगर देखेंगे तो दे आर प्रेजेंट, द टबलेट्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट रेडी, दैट इज व्हाई वी सी दैट दे आर रेडियली अरेंज्ड एंड पेरिफेरली प्लेस्ड इन द एक्सोनियम ऑफ द सिलिया एंड फ्लाजेला. एंड इन एडिशन टू दीज 9 टबलेट्स और 9 पेयर्स ऑफ पेरिफेरल माइक्रोट्यूबल्स, देर आर सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूबल्स. दीज आर टू सिंगल माइक्रोट्यूबल्स. सो दैट इज व्हाई द अरेंजमेंट of the microtubules in case of cilium and flagella is referred as 9+2 array. 9+2 array, okay? 9 doublets plus 2 singlets placed at the center, okay? Now jo doublets hai periphery mein, they are interconnected with each other with the help of inter-doublet bridge. And this inter-doublet bridge is made up of a type of protein which is called as nexin. Okay. In addition to that, the doublets are also linked with each other with the help of these linkers. Ye jo green color mein structures dikhaya hai, they are linkers, and the black lines indicate the inter-doublet bridges. The linkers are generally made up of dynes, and the inter-doublet bridge is made up of nexin type of protein. And the central microtubules, they are also interconnected with each other. In addition to that, the central microtubules are covered with a proteinaceous covering, and that covering is called as central sheath. Okay. And these central microtubules and central sheath, they are connected with the peripheral microtubules with the help of these proteinaceous spokes. And these proteinaceous spokes, they are called as radial spokes. So because 9 doublet microtubules are interconnected with the central sheath and central microtubules, there are 9 such radial spokes present in the axoneum of the cilia and flagella. Okay. So this is about the structure, internal structure or the ultra structure of cilia and flagella. Okay. In the next point, we will discuss about the another type of structure which is originated from the microtubules or from the cytoskeletal proteins, and that structure is centriole and its associated centrosome. Okay, thank you.